मोहन थाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 2 कप बेसन लिया है। नेक्स्ट मैंने 3 टेबल स्पून ये मेल्टेड घी लिया है। नेक्स्ट 3 टेबल स्पून ये मिल्क लिया है और ये थोड़े से सेफ्रन स्ट्रिंड्स मैंने वार्म वाटर में भिगो के रख दिए हैं। इनको मैं अलग रख दूंगी। नेक्स्ट अब हम ये मिक्सिंग बोल लेंगे और इसमें ये बेसन ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें ये घी ऐड करेंगे और इस तरीके से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसमें ये मिल्क ऐड करेंगे। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। नेक्स्ट अब हम इसे ढककर रेस्ट करने के लिए 30 मिनट्स के लिए रख देंगे। जब तक मिक्सचर रेस्ट हो रहा है तब तक हम शुगर सिरप बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये 1 कप चीनी ली है और इसमें मैं ये 1/2 कप वाटर डालूंगी। 1/2 कप में 2 चम्मच वाटर और ऐड करूंगी। और इसको डिजॉल्व होने तक मैं कुक करूंगी। इसके लिए हमें 1/3 से थोड़ी सी मोटी चाटनी चाहिए। इसके लिए हमारी रेडी हो गई है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं 1/3 कंसिस्टेंसी की। 30 मिनट्स कंप्लीट हो गए हैं। मिक्सचर अच्छे से रेडी हो गया है। नेक्स्ट अब हम इस टाइप से एक थाली लेंगे और इस टाइप से बिग होल्स वाली सीव लेंगे और उसमें इस मिक्सचर को डालेंगे और इसको इस तरीके से अच्छे से नेक्स्ट हम इसे छान लेंगे। ये प्रोसेस बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इस तरीके का फाइन पाउडर हमें मिलेगा इसको सीव करने के बाद। देखिए पाउडर कितना अच्छा है, कितना फाइन पाउडर है। नेक्स्ट हम एक पैन लेंगे और उसमें हम घी को मेल्ट करेंगे। घी अच्छे से मेल्ट हो गया है। नेक्स्ट अब हम इसमें ये पाउडर डालेंगे, इसे रोस्ट करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। हमें ब्राउन कलर चाहिए थोड़ा सा। इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। बेसन अच्छे से भुन गया है, इसका कलर और टेक्सचर देखिए दोनों चेंज हो गए इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट अब हम इसे इस तरीके से बाउल में निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसमें ये शुगर सिरप ऐड करूंगी। इसमें मैंने ऑलरेडी केसर को ऐड कर रखा है। नेक्स्ट हम इसे मिक्स करेंगे और इसमें मैं ये कार्डमम पाउडर ऐड करूंगी और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। नेक्स्ट अब हम एक ये ग्रीस करी हुई प्लेट लेंगे और इसमें मिक्सचर को पोर करेंगे। नेक्स्ट मैंने ये कुछ बादाम लिए हैं, बादाम फ्लेक्स हैं, इनको इसके ऊपर डाल देंगे इस तरीके से। और इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसके पीसेस काटेंगे। कुछ लोग इसे बर्फी के शेप में खाते हैं, कुछ लोग इसे डायरेक्टली हलवा की तरह खाते हैं, तो आप जैसे चाहे वैसे खा सकते हैं। नेक्स्ट मोहनथाल अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसके पीसेस काटेंगे इस तरीके से। आप छोटे बड़े किसी भी साइज के पीसेस काट सकते हैं।
मोहन थाल रेसिपी डन। आप इस जन्माष्टमी इस मोहन थाल रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस रेसिपी प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर डिलीशियस रेसिपीज़।